સજ્જનો અને બહેનો, ગુજરાતી મેં બોલું યા હિન્દી મેં બોલું, સબ ગુજરાતી સમજને વાલે હૈ નહીં હૈ? હિન્દી મેં બોલું. તીન શબ્દો કો યાદ રખના, સાધક, સાધના और साध्य. हर आदमी साधक है, चाहे वो किसी न किसी चीज की साधना करता हो. आपको संगीत सीखना है तो आप संगीत के साधक हैं. आपके घर में पियानो आ गया, आपने उंगलियां उस पर रखी, पहले ही दिन उसमें से धुन नहीं निकलती है. आपने क्रिकेट सीखना चाहा, बॉल बैट ले आए, पहले ही दिन आप सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते. कई दिनों तक, कई वर्षों तक आदमी साधना करता है. आप अमेरिका आए, आपको पैसा चाहिए, मोटल चाहिए, पहले ही दिन मोटल नहीं मिल जाती है. और अगर मिल भी गई तो पहले ही दिन से आपको सब कुछ नहीं आ जाता है, सीखना पड़ता है. कुछ भी हो, हर जगह पर साधना बैठी हुई है. आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर आपकी साधना का आधार है, एक चीज. दूसरी चीज, जो साधना करता है वह साधक है, लेकिन साधना करने वाले को अपने साध्य का पता ना हो. मैं क्या चाहता हूं, मेरा क्या साध्य है. आप मंदिर में आते हैं, यहां आकर के मैंने देखा इतना सुंदर मंदिर है, भगवान की इतनी अच्छी प्रतिमाएं हैं और इतनी स्वच्छता है, सब देख करके बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ. लेकिन पहला ये प्रश्न है, आपकी साधना क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्यों मंदिर में आते हैं? अगर ये कहा जाए हम भगवान से कुछ मांगने आते हैं, बात को समझिए. जब आप भगवान से कुछ मांगने आते हैं तो साध्य भगवान नहीं है, साध्य आपकी मांगने की चीज है. भगवान माध्यम है, मुझे घड़ी चाहिए, भगवान मुझे घड़ी चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए. तो एक घड़ी जो है ये मेरा साध्य है, और मैं अपने बलबूते पर घड़ी नहीं खरीद सकता हूं, इसलिए मैं भगवान को बीच में माध्यम बनाता हूं. मेरा इतना काम कर दो, मेरा इतना काम कर दो, मेरा इतना काम कर दो, मुझे एक घड़ी दे दो, मुझे एक घड़ी दे दो. यहां साध्य क्या है? घड़ी है. एक आदमी मंदिर में आता है, वो इसलिए आता है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए, आप ही चाहिए. बहुत घड़ियां हैं सारे संसार में, कितनी घड़ियां पड़ी है, और मुझे जितनी घड़ी दी है वो मेरे से चलाई नहीं जाती है. सिर्फ मुझे तो आप ही चाहिए. उसका जो साध्य है वो भगवान है, और अपने पास में जो कुछ है वो सब साधन है, और खुद साधक है.
दोनों के फर्क को समझिए। हम भगवान को साध्य बनाना चाहते हैं या साधन बनाना चाहते हैं? हमारी जो जॉब है ये साधन है, उसके द्वारा हम राशन लाते हैं, मकान खरीदते हैं, गाड़ी लाते हैं, ये हमारा साध्य है। अगर जॉब ना हो तो हम न मकान खरीद सकते हैं ना राशन खरीद सकते हैं, इसलिए जॉब हमारा साधन है। भगवत गीता में इस चीज को अगर आप देखना चाहें तो गीता में आप देखेंगे, उसमें लिखा है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना। अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना, बड़ी सुंदर बात कही है और शब्द जो प्रयोग किए हैं वो भी समझने लायक है। सुकृतिना, ये सबके सब अच्छे हैं, चारों चारों अच्छे हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभ, ये चार कौन कौन से हैं? एक आर्त है, एक जिज्ञासु है, अर्थी है, एक जिज्ञासु है और एक ज्ञानी है। इन चारों के भेद को समझना है। आर्त कौन है? जो दुखी हुआ है, जिसके ऊपर विपत्ति आई है, बहुत दुख आया है और वो दुख का मारा भगवान को गिड़गिड़ा रहा है, मेरे दुख को दूर करो, मेरे दुख को दूर करो, मेरे दुख को दूर करो, यह आरती भक्ति है। भागवत में उसका उदाहरण दिया गया, एक हाथी है गजराज, अपनी हथनियों के साथ में वो जंगल में जाता है और बड़ा आनंद करता है, बड़ा प्रमोद करता है। एक दूसरी चीज को समझ लो, आपके शरीर में युवावस्था फूट फूट के निकल रही है, आपकी जेब में पैसा उछल रहा है और आपके साथ में कई लोग हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। किसके साथ में लोग नहीं होते हैं? जिसकी जेब खाली होती है। कभी अनुभव किया है? आपकी जेब खाली हो तो आपने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जेब खाली होने पर भी जो साथ देता है ना, उसी को मित्र कहते हैं। जब जेब भरी हुई हो तो सारी दुनिया साथ देने वाली है, उसमें कौन कौन बड़ी बात है। जेब खाली है और शरीर में ताकत नहीं है, शरीर दुर्बल है, लोग किनारा कर जाएंगे, हट जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। आपने आम देखा है, आम को लोग चूसते हैं, लेकिन चूसते 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 जब उसमें रस नहीं रहता है, केवल छिलका रह जाता है, उस छिलके को कोई जेब में नहीं रखता है, उस छिलकों को कोई तिजोरी में जाके नहीं रखता है, छिलकों को फेंक देते हैं, कूड़े करकट में फेंक देते हैं। आदमी भी कभी कभी छिलका बन जाता है, उसका जो रस है वो खत्म हो जाता है और जब छिलका बन जाता है तो जो उसको चूसने वाले थे उसको गार्बेज में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। और तब उसको पता चलता है कि जिंदगी क्या चीज है, जीवन क्या चीज है। इसलिए जब आपके शरीर में खून है, आपकी जेब में पैसा है और पैसा आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, मित्र को ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप मित्र होते जाएंगे लोग, आपके साथ में लोग अपने आप इकट्ठा हो जाएंगे। अपनी हथनियों को लेकर के वो घूमता है, पिकनिक करने जाता है। पिकनिक किसको अच्छी नहीं लगती है? लेकिन आपने कभी देखा जिसकी जॉब नहीं होती है, जिसकी पैसा नहीं होता है, वो पिकनिक करने जाए तो कहां जाए, वो कैसे करेगा? खूब घूम रहा है, खूब घूम रहा है और केले के जो पेड़ हैं उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है। एक मस्ती आती है जीवन में, एक मद चढ़ता है, हम भी कुछ हैं। जब मद चढ़ने की बेला आती है, उस समय जिसको मद नहीं चढ़ता है वो भगवान का आदमी है। चाहे वो तिलक करे चाहे ना करे, चाहे वो किसी खास प्रकार के कपड़े पहने चाहे न पहने,
लेकिन मद चढ़ने का समय है फिर भी उसको कोई मद नहीं है, भगवान का आदमी है और भगवान उसको मद चढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन इसको तो बहुत मद चढ़ गया, फिर वो उजाड़ करते हुए इधर उधर 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 बिखार करते 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 किसी बहुत बड़ी नदी में जाकर के गिरता है, पानी उछालता है, एक दूसरों के ऊपर पानी उछाल रहा है, सूंड में पानी ले लेकर के फेंक रहे हैं। इसको केली कहते हैं, क्रीड़ा कहते हैं, आनंद आता है। लेकिन वो क्रीड़ा करता हुआ आगे ही बढ़ जाता है, आगे चला जाता है। नदी में मगरमच्छ है, मगर ने आकर के उसका पांव पकड़ लिया, बड़े जोर से पांव पकड़ लिया। पहले तो हाथी ने देखा कि कौन है मेरा पांव पकड़ने वाला, मैं इतना शक्तिशाली हूं, हर चीज को ठोकर दे सकता हूं। जोर से उसने पांव हिलाया, ठोकर दी, लेकिन मगर के आगे अपना बल नहीं चला। जब बल नहीं चला, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और हथनियों को पता चला कि हाथी का पांव पकड़ लिया गया है, तो सब भाग करके किनारे हो गई, दूर किनारे, कहीं हमारा पांव ना पकड़ ले। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। विपत्ति में कौन किसका सगा है इसका पता चलता है, संपत्ति में नहीं चलता है। विपत्ति में धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परिख यही चारु, रामायण। इन चारों का पता विपत्ति में होता है। तो सब किनारे हो गए, हाथी जो है खींचा जा रहा है। उन्होंने कहा आओ आओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। नहीं भाई, अगर हम आवे और हमारा पांव पकड़ ले तो। जब वो खींचता चला गया और इतनी सी सूंड बाकी रही, उसने देखा कि अब मेरा कोई नहीं है। एक दूसरी चीज अच्छी तरह से समझ लेना, भक्ति मार्ग जो है उसका मूलाधार है ऐसी अनुभूति, जिस अनुभूति में आदमी को ये पता चले कि मेरा कोई नहीं है। ये अच्छा है कि आपको ऐसी अनुभूति न हुई हो। कभी कभी ऐसी भी अनुभूति होती है जिसके लिए हम मर रहे हैं, जिसके लिए हम कमा रहे हैं, जिसके लिए पसीना बहा रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है। जिस बच्चे को पढ़ाया, अच्छी तरह से पढ़ाया, वो बड़ा होकर के हमारा नहीं है। उसकी भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो हमारा दुश्मन बन जाता है। और कोई दुख नहीं देता है जितना लड़का दुख देता है। सारी दुनिया इतना दुख नहीं देती है जितना अपना लड़का दुख देता है या अपनी लड़की दुख देती है। और तब आदमी को दुख होता है कि इनके लिए मैंने इतना कष्ट उठाया और यही मुझे दुख दे रहे, मेरा बुढ़ापा दुख में जा रहा है। जब मेरा कोई नहीं है ऐसी अनुभूति होती है तो आदमी के जीवन में दो बातें आती है, या तो वो भगवान की तरफ मुड़ जाता है या फिर वो निराशा में डूब जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जब भगवान की तरफ चला जाता है तो उसको डिप्रेशन नहीं होता है, उसको एक नया बल मिलता है, नई शक्ति मिलती है। चलो अच्छा हुआ, सब अपने अपने धंधे में लग गए, पहले ही हम लोग तो समझ रहे थे कि कोई नहीं है, अब इनका मोह छूट गया, अच्छा ही हुआ। हमारे यहां गुजरात में नरसिंह मेहता हुए, भगत हुए, उनकी पत्नी मर गई, परिवार वाले सब मर गए, तो उन्होंने भजन बनाया, बलो थयु भागी जंजाड़ सुखे बजशु श्री गोपाल, भलू थयु भागी जंजाड़। लेकिन ये तो भक्त की बात है, हर आदमी ऐसा नहीं कह सकता, हर आदमी तो रोता है। तो इतना दुख हुआ, कोई नहीं आ रहा है, कोई मेरा नहीं है, मैं मर रहा हूं और कोई मुझे साथ नहीं दे रहे हैं। एक दूसरी चीज याद रखना,
अपेक्षाएं बहुत दुखदाई है और अपेक्षाओं के बिना संबंध नहीं होता है। मेरा और आपका संबंध, पति और पत्नी का संबंध, फलाने फलाने का संबंध किसी न किसी अपेक्षा से होता है और अपेक्षाएं बड़ी दुखदाई होती है। और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती है, हमारी भाव इच्छाएं पूरी नहीं होती है, मानिए कि आप अपने समधी के यहां जा रहे हैं, समधी का मतलब समझे वैवाहिक के यहां जा रहे हैं, और पहले से ही अपेक्षा रखी है दूधपात पूड़ी बनेगी, मालपुआ बनेगा, और वहां कड़ी और रोटी बनाई है, सब्जी और रोटी बनी है, बड़ा दुख होगा। अपेक्षाएं जो है वो दुखदाई है और संबंध जो है अपेक्षा के बिना संबंध होता नहीं है, और संबंध टूटते हैं प्रेम नहीं टूटता है, कभी भी प्रेम नहीं टूटता है, संबंध टूटते हैं। संबंध अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है, क्योंकि प्रेम में अपेक्षा नहीं होती है, संबंध में अपेक्षा होती है। प्रेम में क्या होता है, बस एक ही चीज है, हम उनका उनकी अपेक्षाएं पूरी करें, हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने नरसिंह मेहता को कहा, नरसिंह मैं कुछ देने आया हूं, आखिरी बार आया, जो चाहे सो मांग लो। महाराज कुछ नहीं चाहिए, आप हैं फिर क्या चाहिए, हमारे साथ में आप हैं फिर हमको क्या चाहिए। नहीं नहीं कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, बहुत आग्रह किया तो नरसिंह ने कहा, आप अगर प्रसन्न हैं तो मेरा जो है निकंदन निकाल दीजिए, मेरा वंश उज्जड़ कर दीजिए। गुजराती में कहते हैं मारू नखोद काट जो, मेरा वंश मत रहे। कृष्ण ने कहा, अरे आज तक ऐसा किसी ने मांगा ही नहीं है, जिसने मांगा है उसने तो कुछ लड़का मांगा है, पैसा मांगा है, फलाना मांगा है, फलाना मांगा है, तुम ही ऐसे हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई वंश नहीं रहना चाहिए। आपने कबीर की एक शाखी सुनी है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो जाले घर आपना सो चले हमारे साथ। जो अपना घर जला करके आए हैं वही मेरे साथ चलो। तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे, लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा भाई देखो मेरे साथ अगर आना है तो अपना घर जला करके आओ। तो लोग हंसने लगे, देखो ये घर जलाने की बात करते हैं। बहुत से लोग वापस चले गए, एक आदमी था वो खड़ा रहा, जाओ घर जलाया है कि महाराज आपके बिना कहे ही मैं जला करके आया हूं, मेरी बात सुनकर के आप घर में जाकर के कहीं जला ना डाले। कबीर ने कहा जो जाले घर आपना सो चले हमारे साथ। फिर कबीर ने उसका अर्थ किया, घर जाले घर उजड़े, घर राखे घर जाए, जिसने अपना घर जलाया उसका घर अमर हो गया, और जिसने अपने घर को पकड़ रखा उसका घर बर्बाद हो गया। भामाशाह ने अपना घर जला दिया, राणा प्रताप के लिए भामाशाह अमर हो गए। गांधी जी चाहते अच्छे वकील हो सकते थे, अच्छे बैरिस्टर हो सकते थे, बंबई में बड़ा बंगला बना सकते थे, अपना घर जला दिया देश के लिए, तो गांधी जी अमर हो गए। जिसने भी अपने घर को पकड़ के रखा उसका घर तो जल गया, और जिसने जलाया वो अमर हो गया। जलाने का मतलब जलाना नहीं है, जलाने का मतलब है निर्मोह भाव, निर्मोह भाव। जो जिन लोगों ने जलाया, अपने घर की परवाह नहीं की, वो सबके हो गए। जलाराम हुए सौराष्ट्र में, अपना घर जला दिया, पिता नाराज हो गए उनके ऊपर, उनके पिता ही नाराज हो गए, अरे तुम तो जब देखो तब साधुओं को खिलाते रहते हो, मेरी दुकान चौपट कर दोगे, निकलो यहां से, घर से बाहर निकलो। बाहर निकले, यहां तक कि किसी वृद्ध साधु को अपनी पत्नी तक दे दी सेवा करने के लिए। आज वो जलाराम अमर है, और जो पकड़ के बैठे रहे
वो मर गए। इसलिए अपेक्षाएं जो है और प्रेम जो है वो अपेक्षा से नहीं होता है, संबंध अपेक्षा से होते हैं। और हमारे यहां तो, और यहां भी क्या है, यहां क्यों पति पत्नी क्यों लंबे अरसे तक क्यों उनका दाम्पत्य नहीं टिकता है। मुझे कल बताया गया, जिस घर में टिका था वहां बताया गया कि हमारे जो पिताजी है उनको 50 बरस हुए उनके शादी के, उनकी 50वीं बरसी जो है शादी की हम लोग मना रहे हैं, मनाई। यहां तो 50 बरस तक दाम्पत्य टिकता ही नहीं, एक बड़ा आश्चर्य है। 6 महीने 12 महीने बरस 2 बरस 3 बरस बहुत हो गया, क्यों नहीं टिकता है? अपेक्षाएं हैं, और छोटी छोटी अपेक्षाएं हैं, और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है संबंध टूट जाते हैं। प्रेम में अपेक्षाएं नहीं होती है। कभी और राधा और कृष्ण का संबंध टूटा आपने देखा? कभी सीता और राम का संबंध टूटा आपने देखा? चाहे सीता रावण के घर में हो, चाहे वन में बैठी हो, चाहे राम वन में घूमते हो, लेकिन कभी भी राम ने ये कहा कि सीता तो ऐसी थी, मैं मना कर रहा था, ये हिरण का चमड़ा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी वो हट करके मांगती रही, मरने दो, जाने दो उसको, कभी ऐसा कहा उसने? जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन कभी उन्होंने गलती को दोहराया नहीं, कभी नहीं दोहराया। नहीं तो चाहते दोहराना तो दोहरा सकते थे, अरे कह सकते थे कि मना करने पर भी वो नहीं मानी। इसलिए चलो जाने दो, अपने यहां कई, और हमारे यहां चड़ोतर में तो लड़की भी आती है और पैसा भी आता है साथ साथ में, सोना भी आता है। इसलिए जब दूसरी बार शादी करनी हो, तीसरी बार करनी हो, चौथी बार करनी हो तो फायदे की चीज है। कभी कभी लोग फायदा करने उठाने के लिए पहली पत्नी को मार डालते हैं, जान बुझ करके जला देते हैं, क्योंकि मरेगी तो दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तो पैसा लेके आएगी। ये क्या है? प्रेम है, ये अपेक्षाएं हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, वो आई, बहुत बहुत गुणवान है, सब कुछ है, एक स्कूटर नहीं लाई है, एक फ्रिज नहीं लाई है, अपेक्षाएं हैं। स्कूटर ले आओ, फ्रिज ले आओ, फलाना ले आओ, फलाना ले आओ, फलाना ले आओ, और वो नहीं ले आ पाती है, जाओ अपने बाप के घर चली जाओ। इनमें प्रेम है? कोई प्रेम जैसी कोई चीज है? ये तो सौदा है, अपेक्षाएं हैं। इसको लग्न भी नहीं कह सकते। लग्न तो पवित्र चीज है, शादी तो पवित्र चीज है, शादी और सौदा अलग चीज है, ये तो सौदा है। और एक अच्छी व्यक्ति को केवल आर्थिक सौदा पूरा न कर पाने के जुर्म में जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। लड़की अच्छी है, लड़का भी अच्छा है, लेकिन वो एक आर्थिक अपेक्षा है। हाथी ने देखा अब मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, तब वो कमल था, कमल सूंड में पकड़ा और भगवान को अर्पण किया। अच्छा हुआ जिंदगी में आखिरी क्षणों में जिंदगी की असलियत का पता चल गया। अब आप ही मेरे हैं, जो कुछ है वो आप ही हैं, आप मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप मुझे बचा सकते हैं, अब कोई नहीं है। हमारे यहां ऐसा लिखा गया है, आप अगर बीमार हों तो दवाई करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, औषधि करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन 1000 दवाइयां करने के बाद भी कोई दवाई आपको असर नहीं कर रही है, कोई प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है, तब क्या है? वैद्यो नारायणो हरी ही, औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरी। पहले पुरुषार्थ करना ही चाहिए, पुरुषार्थ के भक्ति मार्ग पुरुषार्थ का विरोधी नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ की एक सीमा है, एक लिमिट है। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने इसलिए ईश्वर की प्राप्ति को पुरुषार्थ साध्य नहीं मानी है, कृपा साध्य मानी है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है। पुरुषार्थ करो करो करो, करना चाहिए। लेकिन यहां दो आदमी मिल रहे हैं,
एक आदमी का पुरुषार्थ है, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो यहां से नीचे गिर गया है, उसकी मां ऊपर है, उसका बाप ऊपर है, वो नीचे जो गिरा हुआ लड़का है वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, ये रोना उसका पुरुषार्थ, ये रोना ही उसका पुरुषार्थ है। चाणक्य ने लिखा है, रोदनम बालकस्य बलम, बच्चे का बल क्या है, रोना ही उसका बल है। आपकी ताकत नहीं है कि जब वो रोने लगे और उसकी इच्छा पूरी ना करे, और रोने लगता है, रोने लगता है, आपने ये दिया वो दिया वो दिया, सबको फेंकता चला जाता है, फिर कहते भाई इसकी इच्छा पूरी करो। रोदनम बालकस्य बलम, उसका बल है, अब वो रो रहा है, रोना ही उसका पुरुषार्थ है, लेकिन वो यहां तक चढ़ नहीं सकता है। तो क्या होगा, ऊपर से मां नीचे उतरेगी, बाप जो है नीचे उतरेगा, ये नीचे उतरना एक कृपा है। अगर आप अपने बलबूते पर ऊपर चढ़ जाते तो वहां तक पहुंच गए, वो आपका पुरुषार्थ था, लेकिन ऊपर का आदमी जब नीचे आ जाता है तो इसकी कृपा है। इसलिए ईश्वर को कृपा साध्य माना है। हाथी ने कहा, अब आप ही जो कुछ है वो आप ही है, फल यूं फूल अर्पण किया और तब तक तो भगवान आए और आकर के पांव, वो मकर जो है मकर का पत्थर काट दिया, हाथी छूटा, मुक्त हो गया, बड़ी शांति हुई। कभी दुख से छुटकारा देखा है आपने, अनुभव किया है, किसी विपत्ति से छूटने का अनुभव आपको हुआ है? कहीं पकड़े गए हैं, कहीं कोई विपत्ति है, कहीं दुख है, सुबह होते होते तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इतनी विपत्ति आ गई है, और तब कहीं जाकर के एक छुटकारा हो गया। ऐसे ऐसी क्षणें आपने देखी है। वो फिर किनारे पर आया, हसनियों ने देखा, आ गए, अच्छा अच्छा आ गए, आ गए, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अरे हम लोगों ने तो कितनी मन्नतें मनाई थी आपके लिए, हनुमान जी को तेल चढ़ाने का है, इधर श्रीफल है, उधर दिया जलाने का है, उधर फलाना करने का, उधर फलाने करने का है, और लिखा गया है माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि इतना अनुभव होने के बाद में भी हाथी और अथनिया एक हो गई, और फिर वही कदली का बन, वही क्रीड़ा, वही खेलना, वही कूदना, वही सब कुछ। भगवत गीता कहती है, देखो ये हाथी ने जो भक्ति की ने, ये आर्त भक्ति है, बस पांव छूट गया, फिर भगवान कौन और मैं कौन, अब मेरी कोई जरूर, अब कोई, अब वही अथनिया वही अपना खेल कूद कर रहे हैं, फिर कभी कोई फिर पांव पकड़ेगा तब जाकर के फिर याद। लेकिन भगवान भी ऐसे है ना कि हर बार भी नहीं मानते कि देखो मैंने तुमको एक बार बचाया, दो बार बचाया, तुमको तो आदत ही पड़ गई है कि जब जब दुख आवे तब तुम। कई मंदिर हमारे यहां ऐसे होते हैं जहां भीड़ लगी रहती है, तांता लगा रहता है, लोग प्रसाद लेके खड़े रहते हैं, कुछ 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 न कुछ लेके खड़े रहते हैं, क्यों, हमारी ये इच्छा पूरी हो, हमारे ऊपर दुख आया है, विपत्ति आई है। द्रौपदी ने देखा मेरी साड़ी खींची जा रही है, और लोगों को गिड़गिड़ाकर कहा, भीष्म को कहा, द्रोण को कहा, सबको कहा, अपने पतियों को कहा, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मुझे तुम जुगाड़ में कैसे रम सकते हो, किसी को कुछ नहीं। दुशासन ने जब खींचना शुरू किया और उसने देखा कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, तब जाकर के भगवान को याद किया। कृष्ण द्वारकावासिन गोपी जन प्रिय कौरवई ही परिभूता माम किमन जानासी केशव, देखो ये भेड़िये मुझे खींच रहे हैं, नोच रहे हैं, हे द्वारका में रहने वाले, तुम मुझे नहीं देख रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूं। एक दूसरी चीज याद रखना, भारत का अपना एक कल्चर है, और उस कल्चर में स्त्री केवल पत्नी नहीं है, यहां स्त्री केवल पत्नी है, भारत के कल्चर में स्त्री किसी की बहन है, स्त्री किसी की मां है, हां किसी की पत्नी भी है। पति पत्नी के जो इतिहास है ऐसे ही इतिहास भाई बहन के हैं।
और ऐसे ही इतिहास मां बेटे के, आज जो पत्नी है कल मां बनेगी, और किसी की मां बनती है तो मातृदेवो भव, तो मां बहन भाई का भी एक संबंध है, मैं तुम्हारी बहन हूं, और बहन को सबसे बहुत बड़ा बल जो होता है अपने भाई का होता है, पहले पति का होता है, और पति अगर निर्बल है, दुर्बल है, मरा हुआ है, तो उसको दूसरा बल अपने भाई का होता है, और भाई नहीं है या भाई का बल नहीं है और पति भी दुर्बल है, पति में भी दम नहीं है, तो फिर वो अबला हो जाती है, तब जाकर वो अबला होती है। तुम मेरे भाई हो और तुम नहीं देख रहे हो कि मेरी लज्जा लुटी जा रही है, कहां हो, क्या कर रहे हो। एक दूसरी चीज याद रखिए, कभी अनुभव करना हो तो करके भी देखिए, हमारे भीतर से नाभि से जो विचार उत्पन्न होते हैं वो टेलीपैथी है, वो जैसे एरियल होता है, एरियल में जाकर के संदेश नीचे उतरता है, ऐसे बिना वायर का, बिना तार का एक संदेश चलता है। देश में भी लोग कहते हैं आज फलाना आदमी मुझे बहुत याद आ रहा है, आज तो बहुत याद आ रहा है, और कभी उसी दिन उसकी डाक आ जाती है, पोस्ट आ जाती है, देखो दो दिन से मुझे बहुत याद आ रहा है, उसकी डाक आ गई। कृष्ण के द्वारका में जाकर के ये वायरलेस पहुंच गया और उन्होंने कहा गरुड़ आज तुम्हारे में जितना दम हो उतना दौड़ो, मर जाओ लेकिन देखना मेरी बहन की इज्जत ना लुट जाए। कभी कभी ये गाड़ी जो है ने 50 पे चलती है, 60 में चलती है, और कभी उसको 100 में भी दौड़ाना पड़ता है ना, कभी 100 के ऊपर भी दौड़ाना पड़ता है, इसलिए कि एक एक क्षण जो है कीमती है। कहीं मेरी बहन बिना इज्जत की हो गई तो मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, फिर तो आप सब जानते हैं। लेकिन ये आर्त भक्ति है, इसको आर्त भक्ति कहते हैं। द्रौपदी ने पूछा इतनी जल्दी इतने दौड़ते हुए आप क्यों आए, द्रौपदी कृष्ण ने कहा तुमको पता है मैं किसी का कर्जा नहीं रखता हूं, और अच्छे आदमी की पहली निशानी है किसी का कर्जा अपने ऊपर न रखे, वो सबसे अच्छा आदमी है। किसी के घर एक गिलास पानी पिया आपने तो मन में ये रखना कि मैं कभी उसको दो गिलास पिला के रहूंगा, किसी के घर रोटी खाई तो मन में ये ठान लेना कि मैं दो बार उसको रोटी खिलाना है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हमेशा इधर भी खाते हैं, उधर भी खाते हैं, उधर भी खाते हैं, हर जगह खाते हैं, खिलाने का नाम ही नहीं लेते, कभी खिलाने का नाम ही नहीं लेते और खाते ही चले जाते हैं, और इधर भी पैसा लेते हैं, उधर भी लेते हैं, उधर भी लेते हैं। मंदिर में भी कभी कभी ऐसे लोग आते हैं कि कभी तीन चार आदमी प्रसाद बांटने खड़े होते हैं तो इससे भी लेते हैं, उससे भी लेते हैं, उससे भी लेते हैं, उससे भी लेते हैं। अच्छा आदमी वो है जो किसी का कर्जा अपने मत्थे पर नहीं रखता है और अपने बच्चे को भी सिखाता है, अरे किसी से कुछ भी लिया है उसको वापस करो, दुगना वापस करो। क्यों हम किसी का कर्जा अपने मत्थे पर रखें, क्या जरूरत है, क्या हम कमाते नहीं है, क्या हम आदमी नहीं है। ये तो आदत की चीज है, आदत सुधारने से सब सुधर जाता। द्रौपदी तुमको पता है एक बार मेरी उंगली कटी थी, गन्ना खा रहा था और गन्ना खाते खाते चक्कू लग गया और उंगली में घाव लग गया और धड़ 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 खून निकलने लगा। रुक्मिणी, सत्यभामा ये सब रानियां वहां खड़ी थी, तो सब दौड़ने लगी, पट्टी लाओ, पट्टी लाओ, पट्टी लाओ, पट्टी लाओ। अब वो महल में पट्टी कहां मिले। आज मानो आपके घर में कोई, आप फ्लैट में रह रहे हैं ऊंचे बड़े अच्छे फ्लैट में, और मैं कहूं थोड़ी सी धूल ले आओ, थोड़ी सी धूल तो साबुन तो मिल सकता है, धूल कहां मिलेगी, मिट्टी कहां मिलेगी। तब तक तुम आ गई थी और तुमने जैसे ही खून देखा और खून देखते ही अपनी जो साड़ी थी ना सर्र करके फाड़ी थी और मेरी पट्टी बांध दी थी। तब तक तो
रुक्मिणी आदि सब आ गए, पट्टी नहीं है, पट्टी नहीं, नहीं नहीं पट्टी लग गई है। किसने लगाई? द्रौपदी ने। कहां मिली? देखो उसने साड़ी फाड़ दी। और कृष्ण हंस रहे हैं, कृष्ण ने कहा नहीं, लेकिन न कहना ही कहने से ज्यादा कहा जाता है। साड़ी तो तुम्हारे पास में भी थी, तुमने क्यों साड़ी नहीं फाड़ी, इसने क्यों साड़ी फाड़ी? क्योंकि तुम्हारी अपेक्षाएं थी और इसकी अपेक्षाएं नहीं थी। तुम ये सोचती रहेगा हमारी साड़ी भी रहे और इनकी पट्टी भी लगे, हमारी साड़ी को भी आंच ना आए और इनकी पट्टी को भी कोई आंच ना आए। और द्रौपदी ने सोचा कि इनको पट्टी लगनी चाहिए, चाहे मेरी साड़ी चाहे रहे चाहे ना रहे, ये प्रेम है। और मैंने जब उन तंतुओं को गिना था 999 हुए थे, और तभी से मेरे मत्थे पर एक भार चढ़ा हुआ था, भार चढ़ा हुआ था, मैं अपनी बहन का कर्जा कब चुका दूं, इसलिए मैं दौड़ता हुआ आया था। ये आर्त, इसको आरती कहते हैं। और इसीलिए हमारे यहां जो आरती उतारी जाती है ने, कभी आपने सोचा कि हम लोग क्यों आरती उतारते हैं? लंदन इंग्लैंड में कुछ गोरे लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा था कि ये फायर क्यों जला रहे हैं। मैंने कहा इसको आरती कहते हैं। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, रति, रति, रति का मतलब होता है प्रेम, रति का मतलब होता है प्रेम। उसके साथ में आ उपसर्ग लगा दीजिए, आंग उपसर्ग, तो आरति। जब हम संसार में प्रेम करते हैं तो रति होता है, और जब भगवान से करते हैं तो आरति होती है। इसलिए भगवान प्रेम का प्रतीक है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसलिए दुख में भगवान को याद नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, करना चाहिए। दुख में भगवान को याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे? हम जब अपने मित्र को याद करते हैं और लोगों को याद करते हैं तो भगवान को नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन दुख में भगवान काम कब करते हैं? कभी सुख में आपने उसको याद किया हो तो। जब सुख के दिन थे तब आपने उसको याद किया। बैंक आपका काम कब करती है? जब आपके अच्छे दिन थे तो आपने कुछ बैलेंस बनाया हो तो। और जब आपके अच्छे दिन थे, बैलेंस बनाया ही नहीं। यहां शुक्रवार को वेतन होता है, हैं? और सोमवार को खत्म हो जाता है, फिर मंगल बुध गुरु, ये 3 दिन काटना जैसे तैसे। भारत में तो वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में कभी अकाल पड़ जाता है। राजस्थान में, गुजरात में और कहीं कहीं अकाल पड़ जाता है। यहां तो हर हफ्ते में 3 दिन का अकाल पड़ जाता है, हर हफ्ते में। कोई हफ्ता ऐसा नहीं है कि जिसमें 2-3 दिन का अकाल। तब वो घूमता है, देखता है कि किसके पास जाए, तो समझ जाता है इंडियन लोगों के पास में पैसा रहता है। ये जो इंडियन में, और इंडियन में भी गुजराती इनके पास में हमेशा पैसा रहता है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस बनाते हैं, वो बैलेंस बनाते हैं, वो केवल खर्चा ही कर कर नहीं करते हैं, वो बचा के रखते हैं। और तब उसके पास में मांगते हैं, जो $10 दे दो, $5 दे दो, $20 दे दो, वो देते भी हैं, देते भी हैं। तो जब अच्छे दिन होते हैं तब जो बैलेंस बनाया गया होता है वही बैलेंस फिर दुख के दिनों में काम आता है। यह अर्थ है। एक दूसरा भक्त है, वो अर्थी भक्त है। अर्थी का मतलब समझिए, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आई है, कोई साड़ी नहीं खींच रहा है, कोई गज को, हाथी को कोई डुबो नहीं रहा है, कोई विपत्ति नहीं आई है, तो क्या दुख है? दुख यही है कि हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और इसलिए हम भगवान के पास में जाते हैं। हनुमान जी का मंदिर रहा, और हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन लोग तेल चढ़ाने आते हैं, सिंदूर और तेल चढ़ाने के लिए। और एक भक्त था, वो बड़ी आंख में आंसू ला करके इतना इतना द्रवित होकर के कह रहा है, महाराज इतनी बार, सिर्फ इतनी बार मेरा इतना काम कर दो, बस इस बार जो 30 मिलियन की जो लॉटरी है वो मेरे नाम पे लगा दो, बस 30 मिलियन की जो, इतना काम कर दो।
फिर कभी आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, इतना काम करो। और भगवान अगर मेरा इतना काम आप करेंगे तो मैं आपको सवा सेर से तेल चढ़ा दूंगा, सिंदूर चढ़ा दूंगा सवा सेर। तो हनुमान जो है आजकल बोलने लगे हैं, पहले नहीं बोलते थे, आजकल बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा देखो भगत, अगर मैं 30 मिलियन की लॉटरी तुम्हारे नाम पर लगा दूं और तुम जा करके मुझे सवा सेर सिंदूर चढ़ा दो, तेल सिंदूर चढ़ा दो, इससे तो बेहतर है कि वो लॉटरी मैं ही लगा दूं, मैं खुद ही लगा दूं और 30 मिलियन का एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाए, उसमें पानी की जगह पर तेल भरे, बहुत बड़ा उसमें तेल भरे, सिंदूर डालें, नाक पकड़ के रोज उसमें गोता लगाए, फिर किसी भगत की मुझे जरूर रहे। एक अर्थी भक्त है। अर्थी भक्त का मतलब है उसको हमेशा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए। तो ठीक है, चलो इस निमित्त से भी भगवान को तो याद करता है, आज नहीं तो कल उसको होश आएगा, आज नहीं तो कल उसको समझ आएगी। हर आदमी पहली सीढ़ी पर समझदार नहीं होता। हम ये समझें कि जो भी अर्थी भक्त हो यहां अकल से आना बंद कर दो, ऐसा नहीं चलता है। सीढ़ियां होती है, पहली जो सीढ़ी है वो तो ऐसी होती है। हम लोग बच्चे थे तो मंदिर में जाते रहे, क्यों जाते रहे, प्रसाद के लिए जाते रहे, प्रसाद के लिए जाते रहे। यहां मैं अमेरिका में एक जगह पर रहा और 10 दिन तक प्रवचन होते रहे, बहुत लोग आते रहे। एक आदमी का मेरे पर फोन आया, उसने कहा महाराज अभी तक मैं प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। तो मैंने कहा आइए, खूब प्रेम से आइए। कि नहीं मैं आऊं लेकिन जिस दिन सबसे अच्छा प्रसाद हो तो मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, उस दिन मैं आऊंगा। तो मैंने कहा रोज अच्छा प्रसाद होता है, हर रोज अच्छा प्रसाद होता है। तो कोई प्रसाद के लिए जाता है, कोई कुछ लिए जाता है, ठीक है। हर आदमी की अपनी कक्षा होती है। गीता ने कहा ये अर्थी भक्त जो है वो भी भक्त है, मांगता रहता है, मांगता रहता है। कभी आपने देखा मांगने वाला अच्छा लगता है आदमी? आपके घर में कोई आदमी सुबह से शाम तक मांगता रहता है। और मैं आपको एक दूसरी चीज कहता हूं, अगर आप वृद्ध हैं अपने लड़कों से कुछ नहीं मांगना, बड़ी 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 हिम्मत से जीवन जीना और इतने मोहताज नहीं हो जाना, इतने दुर्बल नहीं हो जाना कि फिर बुढ़ापे में मांगते ही रहे, मांगते। एक लिफाफा ला देना मुझे देश में लिखना है, वो 10 दिन तक लिफाफा ही नहीं लाता है, एयर लेटर आता है। हमारे एक परिचित रहे सज्जन, ब्राह्मण थे और अफ्रीका में बड़ी अच्छी पोस्ट पर रहे, पति पत्नी दोनों बड़े अच्छे थे। पत्नी मर गई और इसकी दुर्दशा शुरू हुई। आदमी मर जाता है तो स्त्री जो है अपने वैधव्य को पार कर देती है, उसमें बहुत सहन शक्ति होती है। लेकिन पत्नी मर जाती है तो पति के लिए फिर पिछली जिंदगी पार करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा हुक्म किया रहता है, चाय आने दो, फलाना आने दो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। वो तो ऑर्डर ही करता रहता, जब देखो तब करो ऑर्डर, ऑर्डर सुनने वाली चली गई, अब करो ऑर्डर, किसके ऊपर ऑर्डर करें। और वो तो बेचारी ऑर्डर सुनती रहती है। मैं समझता हूं कि यहां अब कुछ कम हो गया है ऐसा। तो वो तो फिर जिंदगी बसर कर लेती है, लेकिन पुरुष के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे आश्रम में आए, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, लड़के सब कैनेडा रहते हैं और यहां मैं अकेला। मैंने कहा अपने आश्रम में आ जाओ, यहां रहो। तो कह नहीं, लड़के रहने नहीं देंगे। तो फिर चलो लड़कों के पास जाओ। वो गए, 6 महीने के बाद में मुझे मेरे पर पत्र आया कि मैं यहां आकर के दुखी दुखी हो गया हूं। क्यों? मैं एक एयर लेटर मांगता हूं तो 10-15 दिन में मुश्किल से एयर लेटर आता है। भूल गए, आज नहीं है कल आएगा। क्या जल्दी है पिताजी, क्या जल्दी? और पत्र लिख के क्या करना है? वो मुझे उपदेश देता है, 15 दिन में कहीं एयर लेटर आता है। और मन महसूस करके रह जाता है। एक दिन
ये बाघ की तरह जीवन जीता था, शेर की तरह, और आज जो है उसकी बहा बहुत मुश्किल हो गई है। मैं आपको खास चीज कहता हूं, घर में रहते हैं कहीं भी रहते हैं, अपनी हिम्मत से रहो, इतनी शक्ति से रहो, और नहीं रह सकते हैं चले आओ देश में, अब बहुत वृद्धाश्रम है, यहां भी है, यहां भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ना वो घर छोड़ सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं, मुश्किल ही है। इसलिए जो मांगने वाला आदमी है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। कबीर ने एक दोहरा लिखा है, मांगन हारा पात्र की मांगन मांग अपने बाप से, ऐसा एक इसमें आता है, अपने बाप से भी मांगना अच्छा नहीं है। मांगन हारा पात्र की सदा लजावे भेक, मांगन मरण समान है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन हारा पात्र की सदा लजावे भेक। तो एक आदमी ऐसा है भगवान से मांगा ही करता है। एक दूसरी चीज याद रखना, कभी कभी हम ऐसी चीज मांगते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, दुखदायी है, और न मिले वो उसमें अच्छा है। आप अपने भूतकाल को, पिछली जिंदगी को देखिए, आपने जितनी चीजें मांगी वो सब मिली, और अगर सब मिलती, हर चीज आपको मिलती, तो आप कहां होते आज। और आप सोच रहे हैं कि नहीं मिली वही अच्छा है। रामायण में एक बड़ी सुंदर कथा है, रामायण में कथा ऐसी है, शिव जी जो हैं, भगवान शिव, उनके तीन नेत्र हैं। हर आदमी को तीन नेत्र हैं, हर आदमी को, और मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैंने अभी अमेरिका में ब्रेन के ऊपर, केवल ब्रेन के ऊपर 6 कैसेट हैं, वीडियो कैसेट है, जो इनोवा है, रिसर्च संस्था है, इनोवा